मध्य प्रदेश के धार में कुछ दिनों पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी गई है, जिसमें एक नाबालिग छात्रा की गला रेतकर हत्या के बाद चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था ताकि शव की पहचान न हो सके। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर में मृतक नाबालिका छात्रा के पिता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता के दौरान ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए धार SP आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी जो पिता को पसंद नहीं था, इसलिए पिता ईश्वर ने अपने 2 भाइयों की मदद से पहले जहर पिलाया और फिर बेरहमी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया और कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धार से जितेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मामला शुरू हुआ, अगले दिन से इन्वेस्टिगेशन, रात से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसका PM कराया गया, सब हुआ। धीरे धीरे चीजें बॉडी को देखने से ही लग रहा था कि स्कूल की बच्ची है, उसकी हत्या की गई है और प्राइमरी फेसिस देख के समझ में आया। और उस समय एविडेंस के रूप में वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी घड़ी निकली थी, एक उसने जैकेट पहनी थी, एडिडास की, मांडव था, उसने एक लड़की की बॉडी मिली थी जो जाली वाली क्लास की लग रही थी और उस लड़की का गला काट के उसकी फेस जो है उसका फेस पे भी अटैक किया गया था। तो इस पूरी घटना में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोग इसमें मुद्दे तक सामने आए, उसमें लड़की का पिता ईश्वर, मुकेश पिता नंदराम और पृथ्वी पिता थावर। तो मुकेश और पृथ्वी वो 2 लड़के थे जो स्विफ्ट गाड़ी से अपने दोस्त से मांगी स्विफ्ट गाड़ी से उसको लेकर गए थे और पहले उसे जहर पिलाया, उसके बाद बेहोश होने के बाद उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी। इस पूरे मामले में ये निकल के आया कि जो लड़की रोशनी थी उसको कोई लड़का पसंद था जिसको लेकर घर में विरोध था और उसके फादर और ये उसका अंकल मुकेश है, इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम इसकी हत्या कर देते हैं ताकि कोई इशू क्रिएट नहीं हो। इस चीज को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद ये गिरफ्तार हुआ। इसमें 3 आरोपी हैं, लड़की का पिता और मुकेश और कचीरा, जो तीनों पुलिस ने गिरफ्तार। देखिये शुरुआत में तो पुलिस ये सोच रही थी कि कोई बाहर दूसरे जिले का बॉडी हो सकती है, परंतु इसमें लगातार वर्क किया गया, रेडियो की बदनावर, रेडियो खामनवर, ये खानवर की टीम ने इसमें अच्छा काम किया। फिर धामनौर की टीम ने एक गाड़ी आइडेंटिफाई की, टोल टैक्स से रुकी हुई, उस पर पुलिस ने वर्क करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर इन लोगों को चिन्हित किया, पहले गाड़ी मालिकों को चिन्हित किया, उसके बाद 2 लड़के गाड़ी लेके गए थे, उन्हें आइडेंटिफाई किया और 3 आरोपी। सर आरोपी घटना के बाद कहीं फरार हो गए थे या यहीं रुके थे? देखिए आरोपी जो 2 लड़के हैं मुकेश और प्रजी, ये लोग जब पेपर में न्यूज चल रही थी समय तक बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो ये लोग महाराष्ट्र और गुजरात निकल गए, पुलिस ने उनको चेस किया, जब उनको वहां से खबर लगी तो ये उधर से वापस आए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुआ है। सर ये मुलाई वाले मामले में ताजा अपडेट क्या रहा है? इसमें 2 मुख्य आरोपी अवतार और भगवान का एक आरोप है, करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, अभी भी टीम लगातार वर्क कर रही है और आगे भी गिरफ्तारी आ रही है। लगभग कितनी गिरफ्तारियां बाकी है इसमें सर? देखिए उसमें लगातार लोग चिन्हित हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग चिन्हित हो रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।